वहीं कश्मीर में मुहर्रम पर आज आतंकी हिंसा की फिराक में है और इस अलर्ट के बाद कश्मीर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी हमले के मद्देनजर इस साल श्रीनगर की सड़कों पर जुलूस और ताजिया निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। एहतियातन इमामबाड़ा में ताजिया निकालने को कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अलर्ट के बाद कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंटेलिजेंस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुहर्रम के मौके पर आज हिंसा की फिराक में आतंकी है। इंटेलिजेंस से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बाद अलर्ट पर रखा गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अजय का। अजय, आज मुहर्रम के मौके पर ये खबर आ रही है कि आतंकी कोई हिंसा की फिराक में है, पर क्या जुलूस की इजाजत जो अब तक नहीं मिली थी वो मिल पाई है? देखिए, अभी तक ज्यादातर इलाके में कश्मीर वैली की बात करूंगा, वहाँ पर जो है जो मुहर्रम के प्रोसेसिंग होते हैं उनके लिए आज इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। अगर साफ है क्योंकि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह से कोई ये गलती नहीं करना चाहते कि जो एक महीने से ज्यादा समय से शांति बनी हुई है वो बंद हो जाए, क्योंकि साफ इनपुट है की आतंकी मुहर्रम प्रोसेसिंग तक जो है निशाना बना सकते हैं। मुहर्रम के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पर है। शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए।